प्रवेश, आप सभी को आदेश आदेश। वाक सिद्धि एक ऐसा विषय है जो वर्तमान चलंत पृथ्वी में एकमात्र चमत्कार है जिसको मैं मानता हूं, और जितने भी जो सिद्ध महात्मा हुए उनकी चर्चा या कहानियां इसलिए होती हैं क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं वाक सिद्धि कर रखी थी। मतलब किसी को अगर कुछ बोल दिया तो वो हो जाता है, बोल दिया जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, वो हो गया। देवराहा बाबा ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं आ पाए। और आज भी गुफाओं में, जंगलों में ऐसे सिद्ध घूमते हैं, सिद्ध महात्मा घूमते हैं जो कि वाक सिद्धि जिन लोगों ने कर रखी है। तो उनका जो वाक सिद्धि है वो देवताओं के अनंत कृपा से है कि जो भी उनके आराध्य हैं उनको उन लोगों ने खुद में इतना सिद्ध कर लिया है कि जो वो बोलते हैं वो मान्य हो जाता है। कि भक्त ने ये बोला है तो ये हो जाएगा, ठीक है। वो किसी मंत्र को सिद्ध करके, किसी तंत्र को सिद्ध करके वो वाक सिद्धि नहीं आती है, वो वाक सिद्धि आती है खुद को सिद्ध करके। लेकिन जो महादेव ने गौरा को 108 जीवन में 108 तंत्र मार्ग बताए, उसमें मनुष्य को सिद्ध होने का काफी शॉर्टकट दिया। उसी में एक जो शॉर्टकट है वो है वाक सिद्धि की साधना। इसमें एक ट्विस्ट है, जो साधना दी गई है वो 10 दिन की है। इसमें जो साधक है, देखो क्योंकि वाक सिद्धि की साधना कोई आम व्यक्ति तो करेगा नहीं, जो कि जिसको साधना पद से मतलब नहीं है, तो कम से कम आप इतने, आपने इतना कर रखा हो कि 3 साल या 7 साल गुरु मंत्र का जाप कर रखा हो, मतलब साधना मार्ग में आप हो। बाकी ट्रायल हिट एंड ट्रायल आपने जिसका भी लिया हो उससे अंतर नहीं है। दूसरा कि आपके पास आपका साधना का स्थल हो, ऐसे स्थान पर आप साधना नहीं करेंगे जहां पे और लोग भी पूजा पाठ करते हो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें महादेव का एक शिवलिंग स्थापित करना है आपको। जब आपका साधना काल पूरा हो जाएगा उसके बाद इस शिवलिंग की पूजा सब कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप साधना कर रहे हैं तो इस शिवलिंग को अगर कोई देख भी ना पाए तो ज्यादा उत्तम होता है, ठीक है। तो एक दक्षिणा मूर्ति शिवलिंग स्थापित करें। दक्षिणा मूर्ति शिवलिंग क्या होता है? तंत्रोक्तर, जब भी तंत्र की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं दक्षिण मूर्ति। तो 5 महादेव के मुख, ठीक है, उसमें जो दक्षिण मुख है उसको भैरव माना जाता है। तो जो भैरव मुख है तंत्र साधना के लिए उसका, उसकी ही सिद्धि करती है। तो इस शिवलिंग में कुछ बहुत विशेष नहीं होता है, बस ये होता है कि जिस तरफ अर्घा है, जिस तरफ दुर्गा है, उसके विपरीत तरफ बैठ करके हम जो है साधना करते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस तरफ शिवलिंग साउथ की तरफ देख रहा है, हमेशा अर्घा नॉर्थ रहेगा, तो साउथ की तरफ जो है जो शिवलिंग देख रहा है, मतलब हमारा जो दृष्टि रहेगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, ठीक है, मतलब उत्तर की तरफ। शिवलिंग का मुख दक्षिण, हमारा उत्तर। तो ऐसा एक स्थान होना चाहिए जहां पर ऐसा शिवलिंग होना चाहिए, और उसको उसको देख करके आपको पूरा जो जाप है वो करना है, ठीक। दूसरा, हर रोज आपको पुष्प अर्पण करना है। क्या पुष्प अर्पण करना है? तो महादेव को लाल फूल के अलावा जो भी आप अर्पण कर सकते हैं, उसमें विशेष फलदायक होता है जो बैगनी रंग का फूल होगा वो, ठीक है, आग का फूल होगा वो, धतूरे का फूल होगा वो, या फिर बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, समी का पत्ता चढ़ा सकते हैं, बदल बदल के इसको चढ़ाना है, ठीक है। और भगवती के ऊपर जितने तरीके का लाल पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, भगवती का जो पुष्प है वो अर्घे पे चढ़ता है सामने, दुर्गा जहां बैठती है, जहां अम्बा, सांब सदा शिवाय नमः। अच्छा, यहाँ जब महादेव की स्थापना होगी तो वो पूरे अपने गण वेश में रहेंगे, मतलब उनके साथ उनका 5 मुखी शिव जो नाग है वो होना चाहिए, साथ में नंदी होने चाहिए, नंदी के सामने कुर्म होने चाहिए। इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है जब दक्षिण मूर्ति की आप पूजा करते हैं बंद कमरे में।
ठीक है, रोज आपको खुद से बना करके भोग देना है, मतलब जो खरीद लिया मार्केट से मिठाई चढ़ा दिया वो इस साधना में आप नहीं कर सकते हैं। जो भी बनाना है, हलवा बनाना है, भोजन बनाना है बिना नमक का, जो भी है खुद बना के दें। खुद अगर बनाना नहीं आता है भोजन, तो फल रोज आप चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो महादेव का रोज अभिषेक होगा, तो जलाभिषेक सबसे बढ़िया है ना, पंचगव्य से आप स्नान करा सकते हैं। और जब आप पूजा शुरू करने लगेंगे, उससे पहले कस्तूरी के इत्र से महादेव का अभिषेक करें, ठीक है। दीपक जो है वो घी का रहना चाहिए, अखंड आप नहीं रख पाएंगे पूरे साधना के दौरान। और गूगल का जो है धूप होगा। तो जो पंच पूजा है वो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार पंच पूजा होगा। आपको क्या करना होगा इस दौरान, भोजन की कोई बाध्यता नहीं है, जो जीवन है उसमें, मतलब जो आप जीना जीवन जीते हैं उसमें कोई आपको फर्क नहीं करना है। बस दो चीजें करनी होंगी आपको जीवन में, एक हर रोज कम से कम 1 घंटे आपको मौन व्रत धारण करना है, ठीक है। जैसे आपने जाप कर लिया, जाप करने के तुरंत बाद आप 1 घंटे मौन व्रत में चले जाएंगे, और कम से कम 15 से 20 मिनट जो है आपको रोज ध्यान करना है। इसका जो है आयाम साधना के साथ साथ आप बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस साधना में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब वाक सिद्धि आ जाती है तो आपको अपनी वाणी पे संयम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी के बारे में बुरा बोल दिया तो वो उसके लिए सत्य हो जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा बुरा अपने लिए ही सोचता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आप जो है संभाव में चले जाते हैं, जब आप मौन व्रत में रहते हैं तो आप संभाव में चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी साधना पूरी होती है, आपको सोचने से और परिपक्व होना होता है, उससे ये होता है कि नेगेटिव थॉट जो है वो आपसे दूर रहते हैं, ठीक। तो अब ये साधना करेंगे कैसे, रोज सुबह उठ करके नित्य कर्म, नित्य कर्म में क्या करना है आपको, तो सुबह उठा तो सबसे पहले कर देखा, हाँ, अपने हाथ को देख लिया, जमीन को प्रणाम करके उतर गए, ठीक है। उसके बाद खुद को स्वच्छ कर लिया ओम पवित्र मंत्र से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देर हंसा का जाप कर लिया, फिर क्रम में पहले शौच, फिर मुख की सफाई, फिर शरीर की सफाई, फिर देवता की पूजा, फिर जाप, ठीक है ना। तो जाप जो है, जो विधान है उसमें है कि आप दक्षिण मूर्ति के सामने बैठ करके ऊन के आसन पर, ठीक है, आसन ऊन का होगा, हाँ, और जाप की जो गणना होगी वो बाएं हाथ से होगी करमाले पे। तो ये बड़ा विचित्र है कि करमाले पे क्यों होगी भाई, कोई रुद्राक्ष या कोई और माला रहे तो सिद्ध हो जाए, नहीं। इसका प्रयोजन है, जितने देर आप जाप करेंगे आप बाएं हाथ से गिनती करेंगे और दाहिना हाथ आपके सर पे रहेगा, जैसे आप खुद को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मंत्र क्या होगा इसका, मंत्र ध्यान से सुनिए, 3 बार बताऊंगा मैं मंत्र। ओम ओम नमो लिंगोद्भव रुद्र देही में वाचा सिद्धि बिना पर्वत गते द्राम द्रीम द्रूम द्रैम द्रौम द्रः। ओम नमो लिंगोद्भव रुद्र देही में वाचा सिद्धि बिना पर्वत गते द्राम द्रीम द्रूम द्रैम द्रौम द्रः, ठीक है। एक बार और सुनिए, ओम नमो लिंगोद्भव रुद्र देही में वाचा सिद्धि बिना पर्वत गते द्राम द्रीम द्रूम द्रैम द्रौम द्रः, ठीक है। अब समझिए इसको कि इसमें क्या बताया है कि सर पे हाथ रखकर 108 बार नित्य मंत्र का जाप करना चाहिए, 10 दिन के बाद जो है मंत्र सिद्ध हो जाएगा।
तो ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये दिया गया था सतयुग में। अब हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं कलयुग में। तो ये जो गणना है ना, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि सतयुग से त्रेता में आए तो 4 गुना जाप, उससे फिर द्वापर में आए तो और 4 गुना जाप, और फिर जब आप कलयुग में आ गए तो और 4 गुना जाप। मतलब रोज का जो 108 पहले जाप होता था, वो कलयुग में होता है 6912 जाप, मतलब 64 माला। तो रोज सुबह बैठ करके आपको इस मंत्र का 64 माला जाप करना है, ठीक है? और जो 10 दिन सतयुग का था, वो 640 दिन होता है कलयुग में, ठीक है? तो मूलभूत रूप से जो सतयुग का 10 दिन का साधना है, जो 108 बार जाप करने मात्र से सिद्ध होता है वाक सिद्धि, अब कलयुग में आपको 64 माला हर रोज 640 दिन तक करना है और वाक सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, बिना ध्यान बिना मौन व्रत के वाक सिद्धि को नहीं करना है। श्वासों पे ध्यान रखिएगा और अहं स्वाहा का जाप कीजिएगा, नहीं तो ये साधना आपको वो कौन सा एक राक्षस था, भस्मासुर बना देगी। खुद पर हाथ रख के नाचते नाचते जो है आप खुद भस्म हो जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, साधना बहुत है, लेकिन खुद को पहले साधिए फिर साधना करिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो शुरुआती मार्ग है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें यंत्र बनाना आता है, आसन बंधन, दिशा बंधन, आप सुरक्षित कैसे रहेंगे, मेरा लिखा हुआ लेख पढ़ने के लिए या मेरा आगामी कार्यक्रम जानने के लिए www.aghurtatras.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महाभैरव दक्षिण मूर्ति आप सभी को धनाढ्य रखें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश, आदेश।